अजमेरु लेडी सोशल सोसाइटी द्वारा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन। अजमेरु लेडी सोशल सोसाइटी ने अजमेर के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए कैरियर जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए सोसाइटी ने एक कैरियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित किया, ताकि बच्चे और उनके अभिभावकों को अपने बच्चों के कैरियर को चुनने में आवश्यक मदद मिल सके। सेमिनार स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में अपना योगदान दिया। सेमिनार में शामिल विशेषज्ञों में अहमदाबाद से सप्तऋषि बसु, अजमेर से मनीष साहू, दिल्ली से डॉक्टर बिस्वाय वी सी यू एम और जयपुर से विवेक शर्मा द्वारा बच्चों के सवालों के जवाब दिए गए और प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वर्णिम भविष्य चुनने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। सोसाइटी के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों का सम्मान शॉल और मोमेंटो देकर किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और अल्पाहार भी दिया गया। कार्यक्रम का अभिवादन सोसाइटी की अध्यक्षा दिशा प्रकाश कृष्णानी ने किया और आभार सचिव नंदिता रवि चौहान ने व्यक्त किया। मंच संचालन आदित्य अग्रवाल और श्री तमार जैन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों में प्रिया मिश्रा, कुसुम आर्य, रश्मि गर्ग, रानी गोयल, सावलिन कौर, सतनाम कौर, ऋतु जैन, तृप्ति शर्मा, मुस्कान शर्मा, ममता शुक्ला, रीना जैन, नीरू जैन, अंकिता मेहरा, प्रतिमा शर्मा, कला आसवानी, दिशा प्रकाश, नंदिता चौहान, आदित्य अग्रवाल, श्री तमार जैन उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अजमेरु लेडी सोसाइटी का उद्देश्य था कि अजमेर के अधिक से अधिक बच्चे इस सेमिनार का लाभ उठा सकें। हम अजमेरु लेडी सोशल सोसाइटी से हैं। हमने अजमेर में देखा कि बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हम बच्चों से मिले अभी, जब हम लोगों ने उनको परसेंटेज के बेस पे सर्टिफिकेट्स दिए, तो पता पड़ा कि यहाँ पे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के बारे में क्लियरली सही नहीं। बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की सेमिनार्स होनी चाहिए अजमेर में, जो कि नहीं होती हैं। तो उस दिन हमने इसे अभी 1 महीने पहले ही हम लोगों ने देखा, तो इस एक ही महीने के दौरान हम लोगों ने सोचा कि कैरियर काउंसलिंग करके देखते हैं, जिसमें हमने बहुत छोटे स्केल पे किया है अभी, और छोटे कम ही स्कूलों को बुलाया, कम ही बच्चों को बुलाया कि देखें क्या रहता है। लेकिन अभी एट द टाइम कल और आज के दिन में हमारे पास बहुत सारे फोन्स आ गए कि आप कर रहे हो तो हमें इन्वाइट करते, हमारे स्कूलों को करते, हमारे कॉलेजों को करते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं और हमारी ये छोटी सी कोशिश है, और इसलिए हमने बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का सेशन। इसमें कौन कौन है? इसमें जो सप्तऋषि बसु जी हैं, वो वाइस चांसलर हैं, और ये सब बड़े बड़े अपने अपने काउंसलिंग डिपार्टमेंट से बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो हैं चार आए हुए हैं, अहमदाबाद से, दिल्ली से, सीकर से, जयपुर से। अजमेरु लेडी सोशल सोसाइटी की तरफ से आज एक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने अजमेर और अजमेर संभाग के गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल और वो बच्चे जो अपने करियर के बारे में कंफ्यूज हैं, जिन्हें अपने करियर को और नहीं समझ में आ रहा है कि उन अपने करियर में वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक सेमिनार आयोजित किया है। हमने सप्तऋषि बसु सर, विवेक शर्मा सर, उपकुलपति हमारे जयपुर से आए हैं सर, उनको बुलाया है, और यहाँ हमने अमित साहू जी जो अजमेर से ही है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर करियर काउंसलिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग फील्ड में बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के क्वेश्चंस, बच्चों की क्वेरीज, बच्चों के जो कंफ्यूजन्स हैं, उनको यहाँ पर हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अभी, अजमेर के गवर्नमेंट स्कूल से, अजमेर के प्राइवेट स्कूल से, वो बच्चे जो 12th कर चुके हैं और अभी अपने करियर को डिसाइड नहीं कर चुके हैं, वो बच्चे अजमेर के आसपास के संभाग, अजमेर संभाग के आसपास से भी काफी बच्चे हमारे पास आए हैं। हमने पहले एक पूरी नामांकन प्रक्रिया की थी, पिछले 1 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं, और आज हमारे पास करीब 100 के आसपास बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ आए हैं, और हम उनकी क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज अजमेरु लेडी सोशल सोसाइटी की तरफ से हमने एक करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा है, उसमें बच्चों जैसे कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या डिसाइड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम रखा।
फर्स्ट इशू भी आए और जयपुर अहमदाबाद और सीकर से 4 से 5 मेंबर। मेरा नाम रश्मि गर्ग अजमेर।